तो मैं तो पिछले फिर जो एडमिशन में बोला था, तो एक बार बाबा समझा तुम्हारे को, तो एडमिशन में जैसा कह रहा था कि जो हमारे स्कॉट है कोई स्पाई है, जो हमारे कपड़े पहन के हमारा OMD करके हमें को तो मारता है, वही को एक है। तो हांजी पूछती, हांजी से पूछती है कि कौन है वो आदमी जो हमारे अंदर कपड़े पहन घूम रहा है। तो उसे बोलते हैं हो ही नहीं सकते, जो जो एन रहता है, जो पहली बार टाइटन बोर्ड से अंदर आता है, तो उसका OMD गियर और उसके कपड़े जो ऊपर दोनों गायब थे, ऐसा बहुत अलग था। तो ऐसा हो सकता है कि वो बोलता है, जो अर्मी स्मिथ बोलता है कि वो जो टाइटन है पहले बहुत अनुभव टाइटन है, तो पहले से बहुत अनुभव है हॉस्टल मास्टर हासिल करके जो टाइटन बॉडी में, बहुत पहले से, ऐसे पहले बहुत अभी भी टाइटन बने, पर उससे बहुत पहले बने टाइटन। हाँ जो बात करने लगती, जो टाइटन था अर्मा टाइटन और क्रोशो टाइटन, वो भी एयर जैसे टाइटन थे। हाँ वो बोलते हैं ये प्लान था कि मास्टर टाइटन जाने के बारे में बहुत पहले से प्लान था ऐसा। हाँ जो एयर जैसा प्लान था ऐसे काम में हो गया प्लान। हाँ जो आदमी रहता है, जो स्पाई रहता है, वो अभी भी लोगों को मारने पड़ रहा है, कि अभी भी उससे जो रहता आदमी को मार देता बेचारा, वेस्टर्न पीस कमेंट कर देना, नाम नाम भी बोलते साथ में। अब बोलते हैं एकदम भागो यहाँ से भागो, मुझे देखिए रोना आ गया था मुझे, अब हिलता नहीं तो बोलते तो भागो जल्दी एरन, बोलते तो भागो हम संभाल लेंगे ऐसे, जल्दी जाओ आगे। और बोलते यार बोलते तो फीमेल टाइटन भागो जल्दी आगे, बोलते ये फीमेल टाइटन ऐसा बोलते एरन रहते, वो बोलते हैं हमारे में से कोई एक है, हाँ जल्दी दिखेगा। हाँ जो टाइटन रहता है फीमेल टाइटन बन जाता है, मतलब हाँ फिर भागने लगते हैं उनके पीछे, हम उनके खाया जाने वाले सच में ये बाटल की नाली है। बोलते हैं तुम जाओ जल्दी हम संभाल लेंगे इससे। हाँ फिर लोग आगे बढ़ते मान के आते, जो बोलते हैं हमारे से कोई स्पाई है, कोई एक है, तो ऐसा बोलने के बाद जो रहता है और मान टाइट रहते हैं। फिर जो टाइटन रहता है, जो फीमेल टाइटन है, उसके आस्ते मौत ही आने वाली है, उसने एक दोस्त को मार दिया है। और फिर एक बार सोच भी लेता है कि टाइटन बन के कि वो लोग बचा ले सको बचा ले, अपन वो बोलते तुम जो ऐसा हमारे अभी भी तुम हमारे भरोसा रख सकते हो, बोलते अब दिखेंगे साले के मारेंगे बराबर टाइटन को। और फिर टाइटन एक दो जो फड़ा जाते हैं और टाइटन की दोनों आँखें फोड़ देते हैं। और फिर आँखें फोड़ने के बाद उसे बहुत अलग ही जगह से हर जगह से मारने लगते, इधर से काटो इधर से काटते इधर से काटते, कि अब तो पूरी ज़िंदगी बदल रहे हैं कि उसने दोस्त को मार देगा, जिनको अच्छा दोस्त उसे मार दिया उसको, उसके वास्ते भुकाने वाली के उसको अच्छा मस्त दोस्त उनको अच्छा दोस्त से मार दिया। और फिर बदला भी ले रहे, और उसको हर जगह मारने लगते, हर जगह काटने लगते उससे। और फिर हर बाद जो टाइटन से खुल खेल करने लगता है, पंच टाइटन की हालत बहुत ख़राब है कि बहुत बेकार मारे लोगों ने, कि लीवर स्कोट के हमें ऐसा लगता है ये मान के थोड़ी दुश्मन मस्ती करते हर करते, पर ये इनका जो रहता है कोऑर्डिनेट हर साइड से मारने में एक्सपर्ट है लोग, तो पता है उसको एक दोस्त क्या कर रहा है फिर दूसरा क्या कर रहा है। और फिर एरिक बात करते हैं, वो बोलते हैं ये बात करते हैं, बोलते मुझे खुद को पता नहीं मैं खुद से करूँ कि मैं दोस्त पर छोड़ दूँ, ऐसा सोचने लगते हैं। फिर अचानक रहते ही उसे खा जाते हैं मार्च उसके नाम के भूल रेस्ट इन पीस, वो भी चढ़ा जाओ रेस्ट इन पीस। और उसके बाद वो बोलते हैं बस 30 सेकेंड में उसकी आँखें ठीक हो गई। और फिर वो फ्लेटर को मार देती है, फिर रहती है, और फिर बॉस को मार देती है, चार के वास्ते रेस्ट इन पीस लिख देना कमर के अंदर, चार के वास्ते रेस्ट इन पीस चंडाल चौकड़ी और क्या। हाँ बात नहीं, अपना ये भी मारी जाएगा अभी, और उसकी जो हार्ड एबिलिटी यूज़ करते हैं सब गए बात है, बस हार्ड एबिलिटी यूज़ करके वो बच जाती है। फिर एन कर सकते हैं कि उनकी जितनी चंडाल चौकड़ी है वो समा जा चुकी है, साला सच में चंडाल चौकड़ी रेस्ट इन पीस बेचारे को बहुत गलत मत पे रही इनको, मुझे अलग बहुत सारी किसी को मतलब तुम। और फिर एन देखने के बाद एन टाइटन फॉर्म में आता है, फिर बहुत ज़ोरदार धड़ा मारता है, उससे सब लोग पता चलता है कि एन टाइटन फॉर्म बनने लगे, कि एन की आदत है जब भी टाइटन बनता है तो वो चिल्लाता है। और फिर एन आते हैं उसको बहुत ज़्यादा पंच मारता है टाइटन को, फिर टाइटन बचते एन पैटन फिर एन को पंच मारती है। और फिर दोनों रेडी होते हैं कॉम्बैट पोज के अंदर। और फिर वो सोचने लगती है क्या करूँ मैं क्या करूँ। और फिर एन बोलते हैं आज तू ही गया आज तू गया, और जो बाद में कैप्टन वहाँ पर आता है देखने वास्ते क्या हुआ एम क्या करे इस बार। आप फिर देखते हैं कि चंडाल चौकड़ी की मरी पड़ी थी, जितने अच्छे दोस्त थे सब, हर जो कैप्टन लिवाए अब यहाँ गुस्से में हम मानेंगे उसको बहुत बेकार, कैप्टन लेफ्ट के मार के रख देंगे सच में। हर बाद में आज तो पार्टी रखने वाले सच में सोच पड़ गया आज क्या नोट टाइटन के बारे में। आप फिर रेडियो रहते लड़के हंसते और फिर उसमें हमला करते हो टाइटन, पर जो एन उस पर बैठ जाते हैं टाइटन के ऊपर और मारे होते बोलते उसने हमारे सारे दोस्तों मार देते सब लोगों को मार दिया टाइटन ने, कम मैंने सब लोगों को मार दिया। और बाद में एन उस पर पंच मारते पर साइड से जाते उसके एन का एक हाथ थे वो टूट जाते, तो बात याद करते मुझे जल्दी अपने हाथ को ठीक करने जो करना कैसे आते एन अपने फोर्स है तो डालते हैं। और बोलते हैं मेरी पहले से टाइटन बन जाता तो ये सब नहीं होता, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त बच जाते मरे से तो सब लोग मरे, पहले से टाइटन को मार दिया जाता इससे तक इतने सब हो गया कैप्टन लिवाई की वजह से सब हुआ उस नक्ते रहता है एरन कि थोड़ा बहुत वजह से, मतलब जो कैप्टन लिवाया था उसको जब सही था उसको पता था जो टाइटन पर डिस्काउंट चाहिए।
हाँ फिर चिल्लाते भी हाँ आम आदमी अजीब सा ही बनाता है। और फिर उसके हाथ हो जाते हैं पंच में आता है जो फीमेल टाइटन है उसको भी ठीक हो जाती है, उसकी आँख भी ठीक हो जाती है क्योंकि फीमेल टाइटन वो भी रुकी थी उसके वास्ते कि उससे ठीक होने वास्ते। और फिर रेड हो जाते हैं मारने वास्ते हाई दूसरे पंच मारती है जब फीमेल टाइटन है वो खुद का किस्टर करती है उसको पंच मारती है पर उसको मुँह रहता है दांत से निकाल लेता है ऐसा और कह सकती है सुबह एक जोधा मुँह पे पंच मारता है। और फिर बोलता आज तू गई फीमेल टाइटन गई फिर उस पर आगे बढ़ लगता है टाइटन फीमेल टाइटन फट्टे पीछे हट जाती है और भागने रेड होती है। बाद में जो फीमेल टाइटन रहती है वो रहती है मैं चांस से बोलती मैं सोचती मतलब मैं समझ जाता हूँ मतलब क्या था। और फिर जो एक पावर रखती है हर सोचती है क्या कर रही है और फिर एक जोधा स्लैप मारती है कट और उससे झाड़ एन का मुंडी कट और हाथ कट तीन तीन चीज एक साथ में कट और एन को निकालती है हाथ से एन पकड़ के हाथ से भाग जाती है। पर याद रखना एन मरा नहीं है अभी हाँ जिंदा एन मरा नहीं है। और फिर अभी मिकास से आती है उसका ट्रू लव मेरा क्रश और मेरी बीवी आप आती है हर आदमी बोल सकती है एन को तुम्हें मार दिया एन जिंदा है तुम ला एन वापस मुद्दे वापस एन को तुम्हें बोल किसी पीछे आगे बढ़ती है। हाँ फिर वो देखती है कि जो फेमस टाइटन उसके पास एन एरन है इसलिए बोलती मुझे एन वापस जो मिकास रहती है उसको फुल स्पीड में फुल ताकत से जो रहती है टाइटन पर हमला करती है उस गन पर हमला करती है पर खुद को शर्ट कर देती है उसे जो तबाह हो जाती बोलती मुझे वापस दो मैं एन को वापस दो तुम कमी नहीं वापस दो मुझे ऐसा बोलने लगती है जिसको टाइटन रहती है और फिर हमला करती रहती कंटिन्यू बोलती क्या चीज़ है वापस दो टाइटन को बोलने लगते हैं कैप्टन बोलते तुम सबसे बैठो मैं संभालूंगा ऐसे ही हर आदमी वो भी आगे बढ़ती गुस्से में और कैप्टन लिवर भी बहुत गुस्से में आगे बढ़ता है। अगले अवसर में क्या जो टाइटन की तो वाट लगेंगे कैप्टन लिवर अभी हमारा अगले अवसर बताऊँगा हमें कैप्टन लेते पसंद क्यों है हाथ में लाइक कर देना हाँ तो गुड बाय सी यू मिलता है अगले वीडियो में।